हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है और देखते हैं अब कल मार्केट किस तरीके का मूवमेंट दे सकता है एंड क्या करना चाहिए हमें मार्केट में कल एंड किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए एंड लेट्स सी। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी ओपन है। सबसे पहले इसको हम लोग एनालाइज करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कल हम लोग किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं या किस तरीके से हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर मुझे एक पैटर्न थोड़ा सा दिख रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और इस पैटर्न को हम लोग हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये आपका शोल्डर वन हो गया, ये आपका हेड हो गया एंड ये आपका शोल्डर टू हो गया। शोल्डर टू यहीं तक आया है लेकिन मेरे हिसाब से ये यहाँ तक आना चाहिए, फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा जब इसका ये ब्रेकआउट होगा, तो फिर हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2024 में इलेक्शन एंड मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी को अभी ये लोग गिरने देंगे या फिर निफ्टी को गिरने देंगे। एक्चुअली कोई भी इंडेक्स को अपने ये लोग गिरने नहीं देंगे क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसा हो सकता है। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है और नेगेटिव है, लेकिन अगर हम लोग इसको साथ साथ एक EMA 20 लगाएंगे तो फिर इसके अंदर हमें कुछ दिख सकता है। तो इसके अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है 45,170 का एक इसको रेसिस्टेंस है और अगर इसने ये ब्रेक करके अगर 45,180 का रेसिस्टेंस से मतलब अगर ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वहाँ सपोर्ट लेने लगा तो काफ़ी हाई जा सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा रेसिस्टेंस ले रहा है तो कल चांसेस है ये गिर सकता है। लेकिन कुछ भी कंफर्मेशन अभी नहीं कह सकते क्योंकि लाइव मार्केट में जो कंफर्मेशन होती है वो आफ्टर मार्केट नहीं होती है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखेंगे साथ साथ के वीकली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे तो हमें दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है एंड साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके अंदर इधर से हम लोग देखेंगे तो एक एम पैटर्न भी है और ये एम पैटर्न का इधर ब्रेकआउट हल्का सा हुआ है और यहाँ रिटेस्ट करने आ रहा है और काफ़ी नीचे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर हम लोग इस तरीके से देखा जाए तो इसकी बात करें तो। और इसको एक बार हम लोग एक फिर से देख लेते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो गाइस ये पॉजिटिव है पूरा, अगर आप लोग यहीं से भी अगर देखेंगे पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पॉजिटिव है तो बैंक निफ्टी हमारे हिसाब से तो बुलिश ही है और ये नेगेटिव तब होगी जब 43,900 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, वो भी वीकली। एंड साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कि बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है एंड किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। तो गाइस आज हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यहीं ओपन हुआ है 9:15 एंड नीचे मैंने आप लोगों को बोला था कि नीचे एक सपोर्ट है तो यहाँ इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। अगर हम लोग देखा जाए तो कहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, सॉरी यहाँ इसने सपोर्ट लिया है अराउंड 45,550 अराउंड, सॉरी आज है मंडे वाला दिन, ओके मैंने गलत चीज़ देख ली। तो अब हम लोग आएंगे मंडे के टाइम फ्रेम के अंदर, ओके तो बैंक निफ्टी ने आज जो सपोर्ट लिया है 44,800 अराउंड इसने सपोर्ट लिया है और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है कल के लो से और अभी तक उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है बहुत कायदे से। तो इस हिसाब से तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए बहुत कायदे से पॉजिटिव है। एक तो ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है और साथ साथ हमें एक और चीज़ दिख रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा गाइस। साथ साथ हम लोग को एक पैरेलल चैनल भी दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ से भी चैनल ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है पूरा का पूरा ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल के लिए, अगर आप लोग यहाँ से बात करें तो। तो फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है
एंड नीचे जो इसका सपोर्ट है वो आपका सपोर्ट जो है 44,800 का सपोर्ट है। एंड अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है आपका 45,100, और अगर 45,100 का रेसिस्टेंस टूट गया तो फिर ये आपका हाई जा सकता है। एक तो ये चीज़ है गाइस बैंक निफ्टी की, और साथ साथ अगर देखा जाए कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसके लिए कुछ लेवल्स हैं, वो मैं आपको लेवल्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी सपोर्ट की बात करें, तो हम लोग यहाँ इसको सपोर्ट लेके चल सकते हैं अराउंड 44,920 अराउंड, क्योंकि बार बार ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस से जो हम लोगों को अब लेके चलना है वो है आपका अराउंड ये लेवल रहेगा 45,050 अराउंड, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर हमें एक भी क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर तो पूरा मार्केट बुलिश हो जाएगा, एंड बुलिश मार्केट हम लोग ले के या मान के चल सकते हैं इसके अंदर। फिर तो बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सपोर्ट होना चाहिए, ये रेसिस्टेंस इसका होगा। साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रेंड लाइन की, तो अगर देखा जाए नीचे से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो नीचे से आप लोग देख सकते हैं एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। और रही बात अपसाइड की, तो अपसाइड भी अब बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छा मूवमेंट दे रही है उस ट्रेंड लाइन पे। ये हम लोगों को एग्जैक्टली यहाँ से हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों को एक सेकेंड ट्रेंड लाइन अब दिख रही है, तो उसको अब हम लोग ड्रॉ करेंगे जो ये अब ये बना रहा है लगातार। तो अपसाइड आप लोग देख सकते हैं एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, बार बार इसको ये समझ लीजिए इसको टच कर रही है। तो कल के लिए गाइस हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे, तो जिस तरीके का ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी, अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो हम लोग अपसाइड जाएंगे, और अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ये डाउन साइड लेके फिर अपना ट्रेड करना शुरू कर देंगे कल। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस अच्छा ही लगा होगा, एंड साथ साथ हम लोग अब देख लेते हैं निफ्टी का भी एनालिसिस कि निफ्टी क्या ट्रेड कर रहा है एंड किस तरीके से इसमें ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी ड्राइंग ड्रॉ है हम लोग इसको हटाएंगे, एंड इसको अब हम लोग आ जाएंगे वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, कि वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है और कहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है। तो वन डे के टाइम फ्रेम की बात रही, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो 19,550 अराउंड ये एक सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो अगर ये इस पर सपोर्ट ले रहा है तो अभी तक समझ लिया निफ्टी पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी को भी अब पॉजिटिव ही हो जाना चाहिए। और वन डे की अगर बात करें तो जो निफ्टी है ये आपका एक प्रॉपर एक लाइन दिख रही है, रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसको टच कर रहा है और नीचे आ रहा है बार बार। तो अभी भी इसने इसको टच कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कल नीचे आ जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ है निफ्टी के अंदर, एंड दूसरी एक चीज़ है अगर हम लोग पैरेलल चैनल के थ्रू अगर इसको देखेंगे तो हम लोग इसके अंदर एक चीज़ और देख सकते हैं, हमें फिर इसका ब्रेकआउट चाहिए होगा। एंड जो ट्रेड कर रहा है निफ्टी एग्जैक्टली अगर सही से देखा जाए तो एक ये पैरेलल चैनल बन रहा है, तो इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है बार बार, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल गया तो उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे एंड उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर तो निफ्टी आपका पॉजिटिव है। अब हम लोग 15 डे के टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन आ रही है, और वो आ रही है आपकी मे बी फ्राइडे से आ रही है, कब से आ रही है, ओके फ्राइडे से आ रही है, और आज है ट्यूसडे वाला दिन। तो ट्यूसडे वाला दिन तो आप लोग देख सकते हैं इधर से पूरा नेगेटिव है, इधर निफ्टी ने घूमना शुरू किया था मॉर्निंग से ही, मॉर्निंग में 11:15 बजे बल्कि बैंक निफ्टी अपसाइड गया और ये डाउन साइड गया आज मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो निफ्टी के लिए तो अगर देखा जाए सेटअप, तो एक ये सेटअप बन रहा है इस तरीके का। ये बार बार ये ट्रेंड लाइन, बार बार नहीं मतलब एक ही बार ये ट्रेंड लाइन पे आई है और इसने अपने रेसिस्टेंस पे टच करके नीचे का मूवमेंट दिया है। नीचे जो है, नीचे वो एक सपोर्ट इसको मिल रहा है, वो भी स्ट्रांग सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। तो नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे एक सपोर्ट इसको मिल रहा है और अच्छा खासा सपोर्ट है। तो देखते हैं कल किस साइड ब्रेकआउट होता है, क्योंकि आज तो निफ्टी ब्रेकआउट अपना दे नहीं पाया। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो दूसरा एक और तरीका इसके अंदर हो सकता है। दूसरा एक ये तरीका है, निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 19,550 अराउंड, बार बार सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग इसके रेसिस्टेंस की बात करें, तो 19,600 इसका एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस हो जाएगा। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग को क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, फिर हम लोग इसको पॉजिटिव लेके हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे। और अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहें तो आप लोग भी इस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हैं। एंड साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि अब फिर निफ्टी के अंदर भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए कल, क्योंकि आज तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसकी वजह से मार्केट काफ़ी हाईली वॉलेटाइल था। और फिर निफ्टी की अगर बात करेंगे इस, तो देख सकते हैं यहाँ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई थी और इसके बाद इसने पूरा सपोर्ट लेके अपसाइड मार दिया इसने। तो फिर निफ्टी की अगर बात करी जाए तो फिर निफ्टी के अंदर भी आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि फिर निफ्टी तो अपना प्योर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वर्क कर रहा है, जैसे कि आप लोग चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। फिर निफ्टी चार्ट के साथ साथ से पैरेलल चैनल के अंदर भी काम कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक पूरा चैनल आ रहा है और चैनल को पूरा क्रिएट कर रहा है और बहुत अच्छे से इस चैनल के अंदर काम कर रहा है फिर निफ्टी के अंदर। तो जब जब ये यहाँ आ रहा है तब तब ये सपोर्ट ले रहा है इस चैनल के आसपास एंड पूरा हाई जा रहा है, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस भी ले रहा है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। एंड मिलते हैं कल एक और नई शुरुआत के साथ, मतलब नई वीडियो के साथ। एंड अगर जिन लोगों को लाइव देखना है तो वो लोग लाइव भी आ सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट एंड आई होप एवरीथिंग इज़ गुड एंड वेल।